एक मुझको तू कर नहीं जाता। समझ आने में और रियाज करने में फर्क होता है। हम कोई चीज सीख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से हमने कोई बात जानी है, सीखी है, उसको हम समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर उसको अप्लाई करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ समझ आ जाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिमाग में बैठ गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमें आ गई है। उसको आने के लिए हमें रियाज करना पड़ता है, अभ्यास उसको दोहराना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये क्या टॉपिक है और इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए और जानिए और समझिए कि समझ आने में और रियाज करने में क्या फ़र्क होता है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। Saga, saga ma pa ga ma ga, Govind, Govind gao, man Govind, Govind gao, Govind, Govind gao, man Govind, Govind gao, Anand gan barsa. आनंद गण बरसाओ गोविंद गोविंद गाओ मन गोविंद गोविंद गाओ एक नाम बस गोविंद साचो एक नाम बस गोविंद साचो जो सब वेद पुराणन बाचो गाओ रे गाओ रे गाओ गोविंद गोविंद गाओ गोविंद गोविंद गाओ गोविंद गोविंद गाओ। भजन की एक छोटी सी एक झलक आपने जो अभी देखी, वो जिस बच्चे ने गाई, मोहित कुमार, वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, हरियाणा का एक स्टूडेंट है। तो पिताजी की ही कंपोजिशन है, उन्हीं का लिखा हुआ एक भजन है जो उस बच्चे ने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी छोटी सी एक झलक। आइए अब दोबारा लौट आते हैं उसी टॉपिक पर कि समझ आने में और रियाज करने में क्या फ़र्क होता है। कोई भी चीज़ आपने गुरु से सीखी, आपने आपको कोई अलंकार नहीं आ रहा है, कोई ताल नहीं आ रही है, कोई फला तान नहीं आ रही है, या उस तान को लेना कैसे है या उस लाइन को गाना कैसे है, वो उस व्यक्ति ने आपको बता दी है ना, आपके गुरु ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको बता दी कि इस लाइन को ऐसे गाओ ऐसे लो, आपको दिमाग में तो सेट हो गई वो कि यार हाँ ये चीज़ यहाँ ऐसे जानी चाहिए, फिर ऐसे गाना है, फिर ऐसे गाना है, वो चीज़ समझ तो आ गई। मैंने हमेशा कहा है कि दिमाग और गला ये दोनों जब आपस में सामंजस्य में चलते हैं तब जाके एक प्रॉपर गायक होता है ना। दिमाग और गला ये दोनों ही चीज़ों का कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक हारमोनियम वादक हैं तो दिमाग और हाथ का है ना, और एक तबला वादक हैं तब भी दिमाग और हाथ का, यानी दिमाग और शरीर का, शरीर यानी जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गाने वाले हैं, तबले वाले हैं, कथक वाले हैं, है ना, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कला जो है ले रहे हैं। यही चीज़ हमारे हर फील्ड में आती है, ऐसा नहीं, आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट ले लीजिए है ना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना उसमें एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क को ही हम रियाज कहते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। कोई भी चीज़ लाइन जो है वो आपको समझ आ सकती है जल्दी, बहुत आसान है उसको समझना, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए रियाज करना पड़ता है। अब जैसे फला में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको कि मैं क्लास में बैठा हूँ और मेरे दादा गुरुजी से मैंने कोई चीज़ समझी, उन्होंने बोला कि ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे गाओ, तो मैंने सुना और मैंने कहा हाँ ये मुझे समझ तो आ रही है, तो बोले फिर क्या इसमें है गाओ, तो मैंने कहा पर वही बात है ना कि समझ आना और आना उसमें थोड़ा सा अंतर है, और उस अंतर को ही हम रियाज कहते हैं। जब तक मैं उसको अभ्यास नहीं कर लूँगा तब तक मैं उसे गा नहीं पाऊँगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा, हम स्टूडेंट्स जो हैं इस भ्रम में रहते हैं कि हाँ मुझे समझ तो आ गई, फिर क्या दिक्कत है, तो फिर आ क्यों नहीं रही है। आने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसे घिसना पड़ेगा, एक ही चीज़ को 100 बार, एक ही अलंकार को हमें 100 बार बजाना पड़ता है,
एक बार में समझ आ जाता है हमें, हमको लगता है कि हाँ ये आ गया, लेकिन वो भ्रम है हमारा कि वो आ गया है ना, वो चीज़ उतना टाइम डिमांड करती है, तो उतना टाइम डिमांड करती है। हमें लगता है कि एक दो बार बजाने में हमसे वो बज गया, ये देखो बजा के देख लिया या गा के देख लिया, लेकिन उसको अंतर उतारने में, अंदर उतारने में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम ही रियाज है, उसी का नाम अभ्यास है, उसी का नाम प्रैक्टिस है, है ना। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी, कि जब हम उस चीज़ को, उस व्यक्ति को सिखा रहे हैं, तो हमें भी अपना पेशेंस नहीं खो देना है कि बताते ही हमने बोला अरे अभी गा के सुनाओ ना, तो तुरंत के तुरंत गा के नहीं सुना पाएगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। और एज अ स्टूडेंट भी हमें इस भ्रम को समझना होगा कि जो हम समझ लेते हैं ना कि हमें आ गया, आ नहीं गया है, उसको रियाज करना पड़ेगा। उस एक अलंकार को आपने अभी बजा के दिखा दिया है, लेकिन वो बजाना मतलब ये नहीं कि बज गया, उसको 100 बार घिसना पड़ेगा, तब जाके आप अगला लेसन ले पाएंगे। हम बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि ये आ गया, अब अगला लेसन दीजिए हमें, लेकिन अगला लेसन इतनी आसानी से आपको आएगा नहीं। अभी आपको ये फर्स्ट वाला लेसन सिर्फ समझ आया है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपके हाथ में नहीं बैठा है वो, है ना। और कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, हम अनभिज्ञ रहते हैं इस चीज़ से, और इस भ्रम में रहते हैं कि आ तो गया है, फिर क्या है, आप सेकंड लेसन क्यों नहीं दे देते हमें, और हम ऐसे झुंझला जाते हैं कि ये तो चाहते ही नहीं हमें सिखाना, या फिर ये तो यू नो कि ये तो चाहते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हों। ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हों, हम ये चाहते हैं कि उस एक लेसन को आप पक्का करें, एकदम पकाएं उसको, है ना। और ये चीज़ मैंने शायद एक वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया है कि वैसे तो आप चाहें तो कोई भी चीज़, अगर आप यू नो किचन में अगर काम कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, कोई पानी उबाल रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं, आप चाहें तो उस आँच को तेज़ कर दें, वो जल्दी से भी उबल जाएगा, लेकिन उसकी तासीर ये है कि उसे धीमी आँच पे ही सेका जाए, है ना। कुछ चीज़ों की तासीर होती है कि जैसे अगर आपको दूध गर्म करना है तो आप चाहें तो आप उसको गैस को फुल कर दीजिए, वो जल्दी से उबल जाएगा, लेकिन उसमें जो उस उबलने के पीछे का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, है ना। अगर उसको आप ढंग से उबालना चाहते हैं तो धीमी आंच पे उबालिए, धीरे 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 उसको उबलने दीजिए, पानी पानी के साथ ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, चाय बना रहे हैं तो ले लीजिए, ऐसे फलां कुछ भी एग्जांपल आप ले लीजिए कि जिसमें उतना वक्त लगता है तो लगता है, है ना। अगर आप उसे जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो वो काम ख़राब हो जाएगा और उसकी जो परफेक्शन है उसमें उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कई बार कई टॉपिक्स में, और आज फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें सीखते वक्त और सिखाते वक्त, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोस, कुछ ना कुछ मैं लाता रहूंगा। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे जो नए नए हमारे गाने, गीत, गजल, भजन आते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, उन्हें आप प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हम कुछ ना कुछ नया लाते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड पे भी और मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे भी। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।